तो नमस्कार दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप सभी के लिए। औद्योगिक सेक्टर के लिए जमीन क्रय की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, ये कहां पर औद्योगिक सेक्टर बसाया जाएगा देखिएगा। औद्योगिक सेक्टरों के लिए दोस्तों, जो उनका विकास होना है उसकी जमीन किसानों से क्रय की जा रही है। किसानों की सूची जारी कर जमीन क्रय पर उनकी आपत्ति मांगी गई है। इनका निस्तारण कर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। के गुप्ता, CEO, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। दोस्तों, औद्योगिक सेक्टरों के लिए जमीन की कमी दूर करने का काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की सूची जारी कर दी है, जिनकी जमीन प्राधिकरण क्रय करेगा। किसानों की आपत्ति का निस्तारण करने के बाद जमीन क्रय करने का काम शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को औद्योगिक निवेश के लिए लगातार प्रस्ताव मिल रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण के पास आवंटन के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं है। इसलिए लॉकडाउन के दौरान ही प्राधिकरण के CEO नरेंद्र भूषण ने विभागीय अधिकारियों को 4 नए औद्योगिक सेक्टर विकसित करने के लिए जमीन क्रय करने के निर्देश दे दिए थे। CEO के निर्देश पर जमीन क्रय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राधिकरण ने सुनपुरा, वैदपुरा और घुमानीपुर गांव में जमीन क्रय करने के लिए किसानों की सूची जारी कर दी है। जमीन क्रय करने पर इन किसानों की आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके बाद प्राधिकरण इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा। दोस्तों, अब आ जाते हैं बात जेवर एयरपोर्ट के बारे में, बात करते हैं। जेवर एयरपोर्ट दोस्तों, बाउंड्री का काम लगभग पूरा हो गया है। तो मैं कुछ दिन बाद लगभग लगभग रक्षाबंधन के आसपास आप सभी को वहाँ से दोस्तों लाइव टेलीकास्ट करके दूंगा कि अब वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, आखिर वहाँ के किसान क्या चाहते हैं, ये भी आप सभी को मैं थोड़ा जाहिर करवाऊंगा वहाँ के किसानों से बात करके। प्लस वहाँ बाउंड्री जो हुई है उसको भी आपको दिखाना है कि भाई बाउंड्री किस प्रकार से की है, जो तारबंदी की है उन्होंने, ठीक है। और जो 48 हेक्टेयर जमीन का दोस्तों अधिग्रहण होना है जेवर बांगर में, उसका क्या प्रोसेस है, ये पूरी डिटेल दोस्तों आप सभी को मैं वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दूंगा। फिलहाल दोस्तों, औद्योगिक सेक्टर के निर्माण के लिए जमीन का क्रय प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये आपका ग्रेटर नोएडा की न्यूज़ है, जेवर एयरपोर्ट की न्यूज़ ये नहीं है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।